आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब वे बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार ने करीब 11 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने भाजपा का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने की बात कही है। इससे पहले सीएम हाउस में नीतीश की पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग हुई थी। यहाँ नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक आज शाम को ही शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं भाजपा ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता बनाया है। शपथ समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। वे दोपहर बाद पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश ने कहा है, आज हमने इस्तीफा दे दिया है। जो सरकार थी उसको समाप्त करने का हमने गवर्नर साहब को बोल दिया है। चारों तरफ से राय आ रही है, इसी को हमने सुन लिया है। अब पहले के गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाया है। आज हम लोग उनसे अलग हो गए। जितना काम हम कर रहे थे वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो इस बीच खबर आ रही है कि भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इस बीच आरजेडी की ओर से कहा गया है कि नीतीश की दिमागी हालत कमजोर है। आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह ने कहा है कि भाजपा आने वाले चुनाव में हार को देखकर नीतीश कुमार के साथ आ गई है। नीतीश दिमागी रूप से कमजोर है, इसीलिए नौकरशाहों के कहने पर भाजपा के साथ आ गए हैं। फिलहाल इंडिया को बड़ा झटका लगा है और नीतीश कुमार फिर से पलटू राम साबित हुए हैं।